नमस्कार भाई साहब, पहले तो आप लोगों को मुझे यहाँ बुलाना पड़ा, तकलीफ़ देनी पड़ी, उसके लिए मैं सॉरी हूँ। बट मेरी मजबूरी थी कि आप सबको मुझे बुलाना ज़रूरी है। मेरा नाम रुमिंदर सिंह सानी है, मेरे फादर का नाम श्री अमरदेव सिंह सानी है और ये मेरी वाइफ हैं शीतल कौर सानी हैं और मैं होटल अमर का MD हूँ। बताएं आज का क्या एजेंडा है? क्यों सर, एजेंडा ये है कि काफ़ी दिनों से चर्चा चल रहा है ये मसला, 4 तारीख से काफ़ी मसला आ गया अखबारों में भी, न्यूज़ में भी, FIR वगैरह भी करानी पड़ रही है और करानी पड़ गई है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए मुझे ये था कि हकीकत सामने आए और क्या रीज़न है जिसकी वजह से सारी परेशानी खड़ी हो रही है और सब जगह से प्रॉब्लम आ रही है। संपत्ति के मामले में कुछ विवाद चल रहा है ना आपका? भाई साहब, संपत्ति क्या है इसमें जो लिखा हुआ है? सर, संपत्ति का कोई भी विवाद नहीं है, संपत्ति का कोई भी विवाद नहीं है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। संपत्ति का मतलब 0.1 पैसे का भी विवाद नहीं है, 0.1 पैसे का भी। और किसी के पास है कोई प्रूफ तो वो, मैं उसको जवाब देने के लिए राज़ी हूँ। अगर कहीं से भी किसी को कोई मिलता है या विवाद मिलता है तो मैं उसके लिए जवाबदायक हूँ। या मेरी वो उस पर है कोई, सर हम गांव देहात में तो रह नहीं रहे, हर चीज़ बुक्स में है, हर चीज़ बुक्स में है और कहीं मैं ऐसा तो नहीं किसी से कोई चीज़ छीन लूँगा। विवाद जो है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ जो विवाद है माता पिता की इज्जत का, उनकी रिस्पेक्ट का, इसके अलावा कोई भी विवाद नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ मेरे माँ बाप खुश रहें, उनकी एक भी आंसू नहीं आए उनकी आँख में। मेरे फादर की उम्र 80 साल हो गई है और मेरी मदर की उम्र 70 साल प्लस है। तो मेरी सिर्फ एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि मेरे माँ बाप की आँखों में एक भी आंसू नहीं आए, उनको राई राई बराबर भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। टेंशन किसके द्वारा खड़ी करी गई? टेंशन ये खड़ी करी गई है मेरे भाई साहब श्री जसविंदर सिंह सानी और उनकी पूरी फैमिली की तरफ से, उनकी वाइफ की तरफ से, और मैं नहीं जानता उनके साथ कौन क्या चाहते हैं, चाहते क्या हैं, क्या क्यों इतना विवाद हो रहा है भाई साहब? मेरी क्यों ये विवाद हो रहा है, जनरल एक बोर्ड मीटिंग थी हमारी 4 तारीख को, जिसको बुलाया गया था कि कोरोना काल अब ख़त्म होता जा रहा है और अब इस इंडस्ट्री को, इस जो इतने बड़े ये सफ़ेद हाथी हैं हमारे पास, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए क्या क्या करना हमारे लिए मैंडेटरी है और मतलब ज़रूरी है, जिससे आगे हम इसको ज़िंदा ले जाएं और जो ये 40 साल से नाम जो इस शहर में बना हुआ है उसकी लिए और आगे बढ़ोतरी कैसे हो। और पीछे जो बिल्डिंग बन रही है जो पिछले 3 साल से बंद है, मतलब कोरोना से ही बंद है पूरी बिल्डिंग जो बन रही है पीछे, उन चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए? आप भाई की मंशा क्या है? ये भाई साहब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ उनकी मंशा क्या है और क्या वो चाहते हैं, ये मुझे नहीं पता है। बट सिर्फ और सिर्फ मेरी डिमांड ये है कि मेरे मदर फादर जो इस उम्र में आ गए और जिन्होंने मतलब साइकिल से स्टार्ट किया या स्कूटर से स्टार्ट किया और यहाँ तक सब कुछ लेके आए और उन्हीं का ही दिया हुआ हमको सब कुछ है, मैं या मेरे भाई ने कोई परचेज नहीं किया कहीं से, या कहीं से हम खरीद के नहीं लाए हैं या वो कुछ लाए हैं, ये सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। ये एक एक चीज़ हमारी एक एक सांस तक उनकी दी हुई है। तभी आपके भाई ने इच्छा रखी कोई चीज़ की? पता नहीं भाई साहब वो क्या चाहते हैं, मेरे को नहीं मालूम वो क्या चाहते हैं, मगर सिंपल ये मीटिंग शुरू हुई थी और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने इतना दुरुपयोग किया जिसकी पुलिस जांच कर रही है। और मेरी पुलिस से, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो निष्पक्ष जाँच करें और जो चीज़ सामने है वो लाई जाए। जैसे मेरे कान का पर्दा फट गया, आपको मैं हर एक चीज़ के जो आप फोटो कॉपी चाहेंगे मैं आपको दे भी सकता हूँ। पर्दा कैसे फट गया? उन्होंने हाथ में वो गन थी या पिस्टल थी, मुझे नहीं मालूम उनके पास क्या चीज़ थी, उससे यहाँ पे वार किया था ग्लास फेंक के मारने के बाद। आपका कहना है कि आप अपने शेयर अपने माता पिता को वापस, अगर कहीं कह दें उनकी कहीं हैसियत में कमी है, मेरे से कहीं ज़्यादा है, तो वो उस चीज़ को सामने लाएं
पूरी मीडिया के सामने लाएं, अगर राय भर का भी कहीं फर्क है तो। आपने परिवार में बैठ के बातचीत की भी? भाई साहब बातचीत कोई थी नहीं, बातचीत तो इसको काम को बढ़ाने की थी, और उन्होंने जो अत्याचार किया, और मैं उस सीन को देख के डर गया हूँ। मेरे साथ जो कुछ हुआ मुझे उसकी कोई भी अफसोस नहीं है, वो कानून ने अपने आप इंसाफ दिला देगा, नहीं भी दिलाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला स्टेप आपका क्या? आप क्या? बट प्रॉब्लम ये है भाई साहब, उस इंसिडेंट्स में मेरे फादर की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती, ऑन स्पॉट डेथ हो जाती अगर हमारे कंपनी सेक्रेटरी उनको नहीं पकड़ते, वो वहीं उसी कमरे में मर जाते और दुनिया तमाशा देखती, जिस हिसाब से वो नीचे गिरे, जिस हिसाब से उनके कमर के बल गिरे, और सिर लगने ही वाला था, वो लोहे का स्टैंड पड़ा हुआ था ऑफिस में, और कंपनी सेक्रेटरी नहीं पकड़ते तो वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो जाती हूँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ कुछ नहीं चाहता हूँ भाई साहब, मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि मैं जितनी भी चीज़ मेरे नाम है मैं सारी चीज़ अपने मदर फादर को इमिजिएटली वापस करता हूँ, और इस चीज़ के वापस उनको करने में जो भी लिखा पड़ी है, जो भी है, जितनी जल्दी उनके लिए जो उनकी तरफ वापस चली जाए, और जो इसमें मेरी मदद कर सकता है मैं उसका बहुत एहसान मंद हूँ, उस आदमी का जो ये प्रक्रिया और जो लिखा पढ़ी जल्द से जल्द करा दे। और मेरी माता पिता से रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि अब मैं इस हादसे के बाद मुझे बहुत डर है कि अब मैं उनको संभाल नहीं पाऊँगा। मैंने पूरे ख़ानदान की इज्जत को पिछले मोर देन 30 ईयर संभाला है, अपने भाई का एक बाल भी बांका नहीं होने दिया, कहीं भी एक बाल बांका नहीं होने दिया, ना समाज में ना रिश्तेदारी में, कहीं भी नहीं बांका होने दिया। उन्होंने जो एक्स वाई जेड हरकत करी उससे मतलब नहीं, बट उनका बाल बांका नहीं हुआ। और भी उसी भाई ने मेरे सारे बाल उखाड़ दिए, उसी भाई ने मुझे मारा, और मेरे पिता की वहाँ डेथ हो जाती। तो इस हादसे के बाद ना ही मुझे संपत्ति चाहिए, ना ही मुझे वो चाहिए, मुझे सिर्फ अपने माता पिता की सिक्योरिटी चाहिए, मेरी वाइफ मेरे बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए, इसके अलावा जहाँ जैसे ऐश की ज़िंदगी जिए, ऐश की ज़िंदगी जिए, भगवान का इतना दिया हुआ सब कुछ है। और लास्ट मैसेज मेरा पूरे समाज के लिए है कि जो भी पैसों के लिए लड़ रहा है या जो भी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, वो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान इस दुनिया में नहीं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।